राजस्थान में मॉनसून फिर से एक्टिव होने के चलते हुआ यह है कि लगातार बारिश हो रही है जयपुर से लेकर अजमेर तक। जयपुर, बूंदी, अजमेर और राजसमंद समेत तमाम इलाकों में हालात बिगड़ चुके हैं। मौसम विभाग ने भरतपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर और बूंदी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अजमेर में मूसलाधार बारिश और बाढ़ की चेतावनी के बाद 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 3 दिनों तक पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में मॉनसून सक्रिय रहने की संभावना है और कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर मध्यम से कभी भारी बारिश होने की संभावना है। भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो लगातार हो रही बारिश के चलते अजमेर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। जलभराव वाले क्षेत्रों का सेना के जवानों ने जायजा लिया है। अजमेर में मौसम विभाग और जयपुर आपदा प्रबंधन सहायक और नागरिक सुरक्षा विभाग ने अत्यधिक बारिश और बाढ़ की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। चेतावनी के आधार पर अजमेर में अत्यधिक बारिश और बाढ़ की संभावना को देखते हुए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में अवकाश के आदेश दिए गए हैं। विद्यार्थियों को बाढ़ के प्रभाव से बचाने और संभावित अनहोनी की घटना से बचने के लिए अवकाश घोषित किया गया है। अभी आर्मी का विजिट तो इस संदर्भ में है कि मालिया इनकेस कोई बात होती है, व्यक्तियों को बचाना है या स्ट्रक्चर को बचाना है, तो वो किस जगह है, कैसे वहाँ पहुँचना है, ये इनका ध्येय है। अभी तो ये इन्होंने एक तो रास्ता देखा है, लोकेशन देख ली है, अब इनके दिमाग में प्लान आएगा भी किस प्रकार से ऐसी कोई संभावित घटना है तो उसको कैसे रोकेंगे। तो और उस वक्त आपको पवन अटारिया नजर आ रहे होंगे, अजमेर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, कहां पर आप मौजूद हैं? पीछे आपके काफी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, जरा तस्वीरें दिखाइए यहाँ पर, और क्या कह रहा है मौसम विभाग, आने वाले दिनों में क्या तस्वीर मौसम को लेकर नजर आ सकती है? देखिए, अत्यधिक बारिश, अतिवृष्टि के चलते अजमेर में कक्षा 1 से 12वीं तक की स्कूलों के प्राइवेट और गवर्नमेंट के स्कूलों की छुट्टी या अवकाश घोषित किया गया है और अजमेर में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से, देखिए बारिश है और बारिश की वजह से जो हर जगह पर पानी इसी तरीके का भरा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक जो पशुपालक है वो अपने जो बकरियां हैं उनको किस तरीके से लेके जा रहा है, हालांकि यहाँ पर एक रैंप बना हुआ है, और ऐसे ही नज़ारे अजमेर में अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। ये अजमेर का एक रेलवे प्रशासन द्वारा बनाया गया अंडरपास है जो कि लोगों के लिए आने और जाने के लिए बनाया गया था, मगर करोड़ों रुपए की लागत खर्च हुई है, मगर आज की तारीख में ये जीरो साबित हो रहा है। किसी प्रकार के वाहन यहाँ से नहीं निकल सकते, जो निकल रहे हैं वो जान जोखिम में यहाँ से निकल रहे हैं। बात करें अजमेर की झीलों की, तो अजमेर के फैसागर झील पर जो वहाँ की पाल है उसमें रिसाव हो रहा है। प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि उसके रिसाव को कैसे रोका जाए, मगर रिसाव है जो नहीं रुकेगा जब तक पाल का पानी खत्म नहीं होगा, और ऐसे में अगर और तेज बारिश अजमेर में 1 या 2 घंटे और होती है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो त्राईमाम हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बारिश पाल का रिसाव है वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर प्रशासन ने आर्मी के अधिकारियों को भी सूचना दी, आर्मी के अधिकारियों ने पाल के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद ये जांचा कि अगर यहाँ से लीकेज होता है, पाल टूटती है, तो जो पानी बहेगा जो आसपास के क्षेत्रों में जाएगा, कॉलोनियों में जाएगा, वहां पर किस तरीके के राहत कार्य करने होंगे, तो वहां से आने और जाने के रास्तों को वहां पर निरीक्षण किया है। और अजमेर में हर एक बड़े बाजार में, होटलों के जो बेसमेंट है उन्होंने पानी भरा हुआ है, और एक बुजुर्ग की रपट में बहने से मौत भी हुई है। तो ऐसी लगातार घटनाएं पिछले 3 दिनों से देखी जा रही है, और अजमेर में शनिवार, रविवार और सोमवार आज तीसरा दिन है जो लगातार सरकारी अवकाश स्कूलों में घोषित किया गया है, वहीं शिक्षकों को आने के लिए पाबंद किया गया है। वहीं जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो ट्रैफिक पुलिस है, पुलिस है और गवर्नमेंट के जो अलग अलग विभाग के अधिकारी हैं, उन सभी को 24 घंटे अलर्ट रहने के लिए कहा गया है कि अगर कोई त्रासदी होती है या कोई जनहानि होती है तो सभी को एकजुट होकर रेस्क्यू कार्य चलाने होंगे। और यहाँ पर देखिए, जिस वार्ड में पानी भरा हुआ है, जिस कॉलोनी में पानी भरा हुआ है, वहाँ के स्थानीय पार्षद, जनप्रतिनिधि वहाँ पे फूड पैकेट, दूध की थैलियाँ भी बांटने का वहाँ पर काम
लगातार जारी है और यहाँ के जनप्रतिनिधि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी भी यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जल भराव क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। बात कर रहे हैं अगर जिला कलेक्टर की तो उन्होंने भी जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों के साथ में निरीक्षण का दौर उनका भी लगातार जारी है। रात हो या सुबह हो सभी प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधि राहत कार्य में लगे जल भराव क्षेत्र का निरीक्षण करने में यहाँ पर लगे हुए हैं। जी मनी पवन, अब तक कोई फौरी तौर पर आंकड़ा सामने आया कि कितने क्षेत्र जो है वो प्रभावित नजर आ रहे हैं जल भराव के चलते? निरीक्षण लगातार किया जा रहा है लेकिन उसका असर ग्राउंड पर कितना नजर आ रहा है? पर असर सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच वाली स्थिति है कि जब बारिश बिल्कुल थम जाएगी, एक दो दिन तक पानी बारिश नहीं होगी और जो निकासी है आना सागर झील के एस्केप चैनल की, फायसागर झील के एस्केप चैनल की, वो जब पानी थमेगा धीरे धीरे पानी आगे निकलेगा। मगर सबसे बड़ी बात, ये पानी जहां एंड हो रहा है वहां की भी स्थिति काफी ज्यादा दयनीय है। वहां की कॉलोनी वाले पिछले 3 दिनों से अपने घरों में कैद है, नहीं निकल पा रहे हैं। वहां पर सांप बिच्छू इस तरीके के जलीय जहरीले जीव जंतु उनके घरों में घुस रहे हैं। तो प्रशासन कुल मिलाकर सिर्फ वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है कि अगर पानी रुकता है तो वहां पर पानी की कमी होगी। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आने वाले 5 से 7 दिन तक जो मकानों में घुसा पानी है, कॉलोनियों में घुसा पानी है, वो कम होगा, क्योंकि जहां जहां पानी की निकासी है आखिर पानी कहीं तो रुकेगा। तो वह जहां रुका है तो वहां पर पानी बिल्कुल घरों के बाहर, कॉलोनी के बाहर जमा हुआ है। अजमेर के वार्ड 54 में पानी भरा हुआ है, अजमेर के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में पानी भरा हुआ है, अजमेर के ज्ञान विहार, आदित्य नगर, इस तरीके के कई कॉलोनियां हैं जहां पर अभी भी पानी की आवक लगातार जारी है और भरा हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन सिर्फ और सिर्फ पानी रुकने का इंतजार यहां पर कर रहा है और जिस तरीके से पानी निकलेगा उसके लिए ट्यूबवेल लगाए गए हैं। ट्यूबवेल देखिए मनी, एक ट्यूबवेल प्रशासन का जिस क्षेत्र में लगाया गया है वहां पर करीब 10 अंडरग्राउंड जो बेसमेंट से पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए हैं। तो 10 पंप की वजह से पानी रोड पर आ रहा है और एक पंप की वजह से रोड का पानी नाले में जा रहा है। तो इससे पानी की आने की संख्या पंपों की ज्यादा है और निकासी की कम है। तो ऐसे में आने वाले 5-7 दिन तक बेसमेंट में, इलाकों में, घरों में पानी भरे रहने की समस्या लगातार जारी रहने वाली है। और कब तक जारी रहेगी ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल हो चला है और इसके समाधान के लिए आगे क्या प्रयास किए जाएंगे इस पर रहेगी हमारी नज़र। बहुत शुक्रिया आपको पवन तमाम जानकारी के लिए।